हेलो यूजर्स, मैं आपको वीरे टूल के साथ अल्फा ट्रांसपेरेंट इमेज निकालना सिखाता हूँ जो माया के साथ। पहले सिंपल आसान सा ट्यूटोरियल है। एक प्लेनर बना लिया है बॉक्स, ठीक है। कैमरे इसका सेट कर लेते हैं, ठीक है। असल में एक प्रॉब्लम आ रही थी, वो ये थी कि अल्फा चैनल के साथ जो ट्रांसपेरेंट इमेज एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही थी। सारा दिन मैंने ट्राई किया, फिर काफी सर्च करने के बाद मुझे ये मसला मेरा हल हुआ है। तो मैं सोचा चलो आप लोगों को भी ट्यूटोरियल बना के बताऊं, और किसी को अगर कोई पता लगे। ज्यादातर वीरे के जो ट्यूटोरियल हैं वो मैक्स के साथ लोगों ने बनाए हुए हैं, माया के साथ नहीं बनाए। तो इन दोनों पे मैं वीरे मटेरियल लगा लेता हूँ। आई नो मटेरियल वीरे, बेसिक सा मटेरियल लगाता हूँ। इसका कलर डिफरेंट कर लेते हैं और इसका कलर डिफरेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब एक वीरे की लाइट लगा लेते हैं। क्रिएट लाइट्स और डोम लाइट लगा लेते हैं फिलहाल, ठीक है। कैमरे का सेफ मार जाओ, तो वीरे की सेटिंग कर लेते हैं। प्लगइन, अगर किसी ने प्लगइन नहीं लोड किया वीरे का, तो वो सेटिंग एंड प्रेफरेंस में जाके प्लगइन मैनेजर से प्लगइन लोड कर ले। अच्छा, ट्रांसपेरेंट इमेज एक्सपोर्ट करनी है तो उसके लिए पीएनजी सिलेक्ट करेंगे हम, टारगा फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, टिफ सिलेक्ट करते हैं। इसके अलावा और भी हैं, वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अल्फा चैनल साथ एक्सपोर्ट होना चाहिए, सेव होना चाहिए, सेपरेट करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। इमेज फॉर्मेट में पीएनजी की जो सेटिंग्स हैं उसको देख लेते हैं। कंप्रेशन, ये जो इमेज का साइज है, अगर ज़ीरो करेंगे तो इमेज का साइज लार्ज होगा, नाइन करेंगे तो इमेज का साइज जो है वो जिप होके मतलब छोटा हो जाएगा साइज, लेकिन क्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ज़ीरो कर लो चाहे नाइन, फाइल साइज पर फर्क पड़ता है। 8 बिट करेंगे तो 16 बिट करेंगे तो ज्यादा अच्छा ट्रांसपेरेंट रिजल्ट आएगा। पीएनजी के फिलहाल यही सेटिंग है, इधर से सिलेक्ट करते हैं और एचडी कैमरा सिलेक्ट कर लेते हैं 1K, ठीक है। और इसकी बेसिक से सेटिंग कर लेते हैं वीरे की। सैंपलर टाइप जो है वो बकेट शेडिंग, जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा टाइम लेगा। और ग्लोबल इल्यूमिनेशन भी ऑन कर लेते हैं, ठीक है। बस अब इसको रेंडर करते हैं। अच्छा, तो ये रेंडर हो गया। अब इसको चेक करना है अल्फा के साथ, ये फुल वाइट शो करा रहा है। लगे इसको फ्रंट वाली जो ग्रीन और ब्लू जो है इसको ये वाइट रखनी चाहिए और पीछे वाली जो है ब्लैक कर देनी चाहिए, ठीक है। और इसका इफेक्ट, इसका मसला ये है कि ये सही तरह अल्फा ये पीएनजी इमेज आती नहीं है एक्सपोर्ट होके। अलग सेटिंग मैंने इसकी की है, डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ 123 इमेज के नाम से, और फोटोशॉप में इसको खोल के मैं दिखाता हूँ आपको कि इसके साथ मसला क्या है। अब ये देखें, ट्रांसपेरेंट नहीं आया। ये ट्रांसपेरेंट होता तो इस तरह की हमारे पास बैकग्राउंड आता, हालांकि अल्फा चैनल भी नहीं उसने एक्सपोर्ट किया। वेरी नाइस।
अच्छा तो अभी हम क्या करते हैं, जो सारा दिन मुझे मसला आया, मैं रेंडरिंग सेटिंग जो थी वो देखता रहा एक्सप्लोर कर करके कि किधर मसला है किधर मसला है, मतलब समझ ही नहीं आ रही थी। खैर फिर काफी देर के बाद मुझे समझ आई कि जो लाइट की सेटिंग्स हैं उनको अच्छे तरीके से देखा जाए। तो ये जो लाइट है हमारी, इसको देखता हूँ मैं। इसके अंदर जो ऑप्शंस का मेन्यू है उसमें इफेक्ट अल्फा जो है इसको अनचेक करना है, बस इतना सा काम करना है। और अब इसको दोबारा रेंटर पे लगाते हैं हम। अब एल्फा चैनल लगाते हैं, देखें ये वाइट हो गया और ये बैकग्राउंड ब्लैक हो गया। बस ये एक सिंपल सी चीज जिसके पीछे पूरा एक दिन ना हफ्ता रहा। अच्छा तो मैं अब इंपोर्ट करता हूँ अपनी फाइल। ये देखिए अब ये ट्रांसपेरेंट शो हो रहा है। ठीक है यूजर्स, दोबारा आपको कुछ समझ ना आया हो, कुछ जानना चाहते हो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और काम अच्छा लगा तो लाइक का बटन प्रेस करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।